गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक आफ्टर योर विंटर ब्रेक. इन लास्ट क्लास वी आर कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 8, दैट इज एमएस एक्सेल. एंड आई हैव टॉट यू अबाउट एमएस एक्सेल स्क्रीन. सो आई एम गोना ओपन योर ई बुक इन फ्रंट ऑफ यू फर्स्ट. आई शो यू व्हाट आई हैव टॉट यू अर्लियर. दिस इज द एक्सेल विंडो एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू एज एन होमवर्क. So by today evening you all will submit your homework in this group, in your class group, not on my personal window, in the class group with your name, class and section. Okay, so I'm gonna continue with the chapter, the Excel window. ये हमने last time कर लिया था. What are the different parts of Excel window? What is cell? What is active cell? What do you mean by cell reference? What is name box? Split box, status bar, that we have already done. Now today we are going to start with page number 103, and the first heading in this page is changing the active cell. Now you know what is active cell. Active cell is the cell which has a dark border around it. Means जिस cell को आप select करके जिसमें डेटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं, दैट सेल बिकम्स एक्टिव सेल. एंड व्हाट इज अ सेल? सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन एक्सेल द एक्सेल स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, रोज आर डिनोटेड विद द नंबर्स एज 1, 2, 3, 4. कॉलम्स आर डिनोटेड बाय द अल्फाबेट्स ए बी सी डी and all. So intersection of a row column row and column makes a cell, and when we start entering data in any cell, that cell becomes active cell and it has a dark border around it. So you can enter data into the active cell. Here it is written, you can make any cell in your worksheet the active cell. The active cell has a dark border around it. You enter data into the active cell. ओके, हेयर इट इज शोन द एक्टिव सेल डिस्प्लेज अ डार्क बॉर्डर. ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है. द सेल रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल. व्हाट इज सेल रेफरेंस? सेल रेफरेंस इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. हेयर द सेल एड्रेस और द सेल रेफरेंस इज ए कॉलम एंड रो 1. सो इट इज गोना कॉल्ड ए 1 सेल. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल ए 1. Then comes click on the cell you want to make active. उस cell पे click करिए जिसको आप active बनाना चाहते हैं. You can also press arrow keys, keyboard से arrow keys press करके अपने keyboard से to change active cell. Active cell को आप change कर सकते हैं. The cell reference for the new active cell appears in this area. जो cell reference या cell address है वो कहाँ पे आता है? Name box में आता है. देखिए यहाँ पे show कर रहा है C column है और row 8 है, तो यहाँ पे show करेगा C8. Okay? उसके बाद दिया है एंटरिंग डेटा. हाउ टू एंटर डेटा? नाउ एंटरिंग डेटा इज द फर्स्ट स्टेप. एंटरिंग डेटा इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ वर्कशीट. व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ वर्कशीट, द फर्स्ट स्टेप इज टू एंटर डेटा इन अ सेल. यू कैन एंटर डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और टेक्स्ट. आप सेल में डेटा किन किन फॉर्म्स में एंटर कर सकते हैं? In number form or in text form. The simplest method is to click on a cell and begin typing. Simple is कि आप cell पे click करें, cell को active बनाएं और उसपे typing करना start कर दें. Steps दिए हैं, click on the cell where you want to enter data. Now type the data. The data you type appears in the active cell and in the formula bar also. Now it is an important thing, जिस cell को आप क्लिक करके सेलेक्ट करके एक्टिव बनाते हो, उस सेल का रेफरेंस आता है नेम बॉक्स में. ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन एक्टिव सेल में आप जो कुछ भी एंटर करते हो, इधर इट इज इन अ नंबर फॉर्मेट और इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, वो कहां दिखाई पड़ता है? दिस इज द फॉर्मूला बार. इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द फॉर्मूला बार. जो कुछ भी आप टेक्स्ट या नंबर के फॉर्म में एंटर करते हो, वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई पड़ता है. देखिए यहां भी टाइप हो रहा है और यहां भी दिखाई पड़ रहा है. ओके, इफ यू मेक अ टाइपिंग मिस्टेक व्हाइल एंटरिंग डेटा, प्रेस द बैकस्पेस की फ्रॉम कीबोर्ड टू रिमूव इनकरेक्ट डेटा, देन टाइप द करेक्ट डेटा. अगर आपने कुछ गलती कर दी है टाइप करने में टेक्स्ट को, तो आप बैकस्पेस कीबोर्ड पे बैकस्पेस की से उसको इरेज करके वापस करेक्ट डेटा एंटर कर सकते हो. सो ये दो चीजें हो गई. उसके बाद
नेक्स्ट है प्रेस एंटर की टू एंटर द डेटा एंड मूव डाउन वन सेल। अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल जाना है तो सिंपल जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर में करते हैं, एंटर की दबा के दूसरी लाइन में जाते हैं, तो यहाँ पे एंटर की दबा के दूसरे सेल में जा सकते हैं। टू एंटर द डेटा एंड मूव वन सेल इन एनी डायरेक्शन प्रेस एरो कीज। अगर आपको एक सेल से अपने राइट या लेफ्ट दूसरे सेल में जाना है तो आप कीबोर्ड के एरो कीज यूज कर सकते हो, लेफ्ट एरो की और राइट एरो की, ठीक है। Then after this, how to change views? There are four views in MS Excel. You can see different views of your worksheet in normal view, page layout view and page break view. Sorry, तीन views दिए हुए हैं, पांच views और चार views Word और PowerPoint में होते हैं. The normal view shows one continuous page of columns and rows. The page layout view displays your worksheets on individual pages that correspond to printed pages. And the last is page break preview, indicates page breaks with lines. You can click and drag these lines to modify where pages break. So ये तीन तरह के view हैं, normal view जिसमें हमको Excel दिखाई पड़ता है, page layout view में आपको ऐसा view दिखेगा जिस जो आप जब अपने worksheet को print करना चाहो तो जैसा दिखेगा print में वो वैसा दिखाई पड़ता है पेज लेआउट में। पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपको हर पेज का बॉर्डर पे लाइंस अपीयर हो जाती हैं, उन लाइंस को आप आगे पीछे करके एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन व्यूज हो गए। इसके बाद जो आपकी बुक में दिया है, सेविंग अ वर्कबुक, हाउ टू सेव अ वर्कबुक। यू कैन सेव योर वर्कबुक टू रीयूज इट और शेयर इट विद अदर्स। सेव्ड फाइल्स कैन बी यूज्ड ऑन अदर कंप्यूटर्स आल्सो। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज। अगर आप कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हो फाइल में, सो यू मस्ट सेव इट, यू मस्ट सेव योर वर्क। बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक्स आर सेव्ड इन द एक्सेल फाइल फॉर्मेट। आप जो भी एक्सेल फाइल सेव करते हो वो एक्सेल फाइल फॉर्मेट में ही सेव होती है बाय डिफॉल्ट। इफ यू वॉन्ट यू कैन चेंज ऑल्सो, ठीक है। विच यूजेस द कौन सा एक्सटेंशन मिलता है एक्सेल फाइल को, डॉट XLSX। ओके कैसे करते हैं, क्लिक ऑन फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, देन क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑफ बटन। यू कैन क्लिक द सेव बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द फाइल। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, सेम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट फाइल सेव करते थे। क्लिक ऑन दीज एरियाज टू नेविगेट टू द फोल्डर, जिस फोल्डर में आप फाइल सेव करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके उस फोल्डर को चेंज कर सकते हो। क्लिक द फाइल नेम बॉक्स, यहाँ पे आप फाइल नेम बॉक्स पे क्लिक करके फाइल का नाम दे सकते हो। एंड फाइनली फाइल नाम टाइप करने के बाद सेव एस टाइप होता है, एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट सेट होता है। अगर आप यहाँ से एरो पे क्लिक करो तो किसी और भी फॉर्मेट में अपनी एक्सेल फाइल को सेव कर सकते हैं। एंड फाइनली क्लिक ऑन सेव बटन, सो योर फाइल गेट सेव्ड। नाउ आफ्टर सेविंग अ फाइल यू वॉन्ट टू री ओपन इट, हाउ टू ओपन, गो टू फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है इस तरीके का। अपने उस फोल्डर में जाइए, क्लिक ऑन दिस बटन, दिस बॉक्स इन दिस एरिया टू गो टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर इन विच यू हैव सेव्ड योर फाइल। क्लिक ऑन दैट फाइल, सर्च फॉर द फाइल इन योर फोल्डर। आफ्टर सर्चिंग क्लिक डबल क्लिक ऑन द फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। Now finally, how to close? You can close a workbook to remove it from your screen. Closing a workbook does not mean that you are exiting the Excel program. There are difference between closing workbook and closing Excel. Before closing a workbook, you should save the changes, if any, you made to the workbook. Click on file tab, backstage view will appear. Click on the close button, the file closes. And exiting from Excel is, you can exit from Excel to remove it from the desktop. Before exiting from Excel, you should save the changes, if any, you made to the workbook. Okay, click on the file tab and click exit Excel. If you have not saved your work, Excel prompts you to do before saving. अगर आप Excel में जो काम कर रहे हो तो उसको सेव नहीं किया और आपने exit Excel कर दिया तो एक मैसेज आएगा, प्रॉम्प्ट करेगा Excel आपको कि आप इसको सेव कर लें, और वो जो मैसेज आएगा उसमें यस पे आपको क्लिक करना होता है, जो भी चेंजेस आपने जो भी फाइल बनाई है सेव करने के लिए। ओके नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, आई एम गोना क्लोज द रिकॉर्डिंग जस्ट।